हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं गाइस। पता है मुझे ना, एक तो मेरा बीपी लो हो जाता है, दूसरा मुझे गैस बहुत बनती है। मैं दोनों से बहुत परेशान हूँ। आज शनिवार है, आज तैड़ी बनाना है। दो दिन से ना बहुत बीपी, शाम को ना बीपी लो हो जाता है। क्या चाहिए मनु? क्या चाहिए आपको? रोटी बनानी बेटा। तो मैं अभी जो है आलू छील रही हूँ, मुझे तहरी बनानी है। यूपी बिहार वाले ज़्यादा तहरी कहते हैं और दिल्ली उल्ली वाले कहते हैं नमकीन चावल, जो आलू वगैरह डाल के बनता है। शनिवार है ना, हम लोगों के यहाँ शनिवार को ना तहरी बनती है, तहरी खिचड़ी। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ना शुगर की वजह से मैं नहीं खाती हूँ। मनोतन की टीवी का आवाज कम कर रहे हो। काहे मैं वीडियो बना रही, तुम चड्डी में घूम रहे हो। गाइस मैं वीडियो बना रही, हमारे पति के अंडरवियर में घूम रहे। अतुल के लिए अंडे भी उबाल रही, क्योंकि ना अतुल ना जिम जाता है, उसको शाम को अंडे चाहिए खाने को। लहसुन प्याज ये सब काट लूँ, मिर्ची उर्ची, फिर चावल में छौंक दूँ, मटर वटर डाल के। इसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँ। सब्जी रख दो, अभी थोड़ी देर में रोटी बना के दे रही हूँ मैं। और पैसे नहीं है बेटू, तभी आपने तो अपने गुल्लक में 200 डाल लिया ना। मुझे लगता है फ्रेंड ना, मैं इस धरती की सबसे बड़ी बोझ हूँ। हाँ, लाइटर नहीं मिल रहा, आज कहाँ गया। और सबसे ज़्यादा मैं अभी अपने हस्बैंड के लिए बोझ हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ना वैसे पूरा दिन बहुत खुश रहेंगे, जैसे ऑफिस से घर में आएंगे ना, इसे लगता है इतने सड़े ही इंसान, उनकी शक्ल देख के दिमाग और ख़राब हो जाता है। इतना पूरा मुँह बना के रखते हैं ना। पता नहीं कौन सी इनकी गर्लफ्रेंड मर गई है हमारे पति की, जो उनका मुंह ही सड़ा रहता है हमेशा।
इंसान घर में आता, 2 मिनट बैठ के आराम से अच्छे से बात करता ना, सड़ियल जैसी शक्ल। मेरे हस्बैंड ये खड़े हैं तभी बोल रही हूँ, अगर नहीं खड़े हुए तो नहीं बोलती। मिर्ची काटना भूल गए थे, मिर्ची काट लो। में जीरा डाल दूं, ये लहसुन प्याज और उसका पता, मैंने एक बार दाल बना लिया है, दाल बनाने के बाद मुझे तहरी बनानी पड़ रही, क्योंकि ना दाल चावल किसी को नहीं खाना है। थोड़ी देर पक जाने दो, मैं आज ऐसे ना मेरा बीपी भी लो है। मेरा पीपी इसलिए लो हो जाता ना, क्योंकि हमारे पपीरियों की शक्ल हम देखते हैं ना, पता है वैसे वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ना ऑफिस से आने के बाद ना ऐसा लगता है, जैसे लगता है कि बस कोई बोझ है जो पटक के आ रहे हो, बोझ सर पे लेके आ रहे हैं। पता नहीं ऑफिस में कोई कुछ कहा हुआ होता है, भगवान जाने क्या काम क्या बात रहती है, बोलते ही नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे कुछ भी, ऐसा लगता ना कि हम उनके दुश्मन हों। हम भी पूरा दिन इंतजार करते हैं कि शाम को आएंगे बात करेंगे अच्छे से, लेकिन नहीं करते हैं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, ऊपर से डाल के नमक डाल देंगे, बस चावल भून के डालने के बाद पानी डाल के बंद कर देंगे। नमक चावल डाल देते थोड़ी देर के, 5 मिनट रुक जाइए, बना रही है वो। चावल भून के डाल दो, ये चावल ऐड कर दो,
डाल के ना कुकर में सीटी लगा दूंगी। बस हो गया, ज़्यादा पानी डालोगे ना तो गीला हो जाएगा, कम पानी डालो। फ्रेंड्स मेरे घर का काम ख़त्म हो गया, कुकर की सीटी आने वाली है, बन गया मेरा जो भी बनना था तहड़ी पहड़ी, बस सीटी आ गई, हो गया। अतुल के लिए अंडे भी उबल गए। हाँ मेरी तबीयत नहीं सही लग रही फ्रेंड्स, चलो मैं बंद करके वीडियो बनाना, कहीं बाहर बाहर जा नहीं पा रही हूँ, तो बी पी लो, ऊपर से गैस बनी है, ऊपर से हमारे पति जो हमारा सर चाट लिए हैं आज। आज मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा दिमाग ख़राब है। बाय बाय दोस्तों।